दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वायर फ्रेमिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे डिजाइनर सीवेक्स डिजाइनर को कभी जब ये प्रॉब्लम होता है कि वायर फ्रेमिंग क्या होता है, वायर फ्रेमिंग क्यों करते हैं, वायर फ्रेमिंग का प्रोसेस क्या है, वायर फ्रेमिंग से क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों वायर फ्रेमिंग जो रियली अगर कहा जाए तो पूरे एप्लीकेशंस का एक स्केल्टन पार्ट होता है और इसमें पूरे जर्नी जो होता है एप्लीकेशंस को उसमें वायर फ्रेमिंग के माध्यम से क्रिएट कर दिया जाता है और इसके लिंकिंग के थ्रू हम टैपेबल भी बना करके हॉटस्पॉट से उसको देख सकते हैं। वायर फ्रेमिंग एक ब्लूप्रिंट है जो कि शेप और आउटलाइन के माध्यम से केवल क्रिएट किया जाता है और इसमें कोई भी कलर यूज नहीं किया जाता, ये ब्लैक एंड वाइट होता है केवल। तो ये वायर फ्रेमिंग का जो कंसेप्ट है, वायर फ्रेमिंग इसी पॉइंट को कहा जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वायर फ्रेमिंग टूल्स क्या है। दोस्तों वायर फ्रेमिंग टूल्स में तो बहुत सारे डिजिटलाइजेशन टूल्स भी हैं, लेकिन सबसे बेटर टूल है वो है पेंसिल एंड पेपर, क्योंकि आपका पेंसिल और पेपर है तो कोई भी डिजिटलाइजेशन टूल की ज़रूरत नहीं है। आप स्केचिंग के थ्रू, हैंड ड्रॉ स्केचिंग के थ्रू अपने आइडिया को, अपने रिसर्च को, अपने पूरे ईवेक्स के जर्नी के पॉइंट को आप स्केच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आप इसे फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल और क्रिएटिव बना सकते हैं और कुछ भी आपके माइंड में चेंज होता है कंसेप्ट तो आप डायरेक्टली पेन और पेंसिल से उसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप वायर फ्रेमिंग टूल को ज़्यादा सर्च ना करें और अपने कंसेप्ट को सबसे पहले लो फिडिलिटी के माध्यम से आप एक्सपोज कीजिए अपने वायर फ्रेमिंग को पेन और पेंसिल पे। और अगर आपको हाई फिडिलिटी में अगर आपको डिजाइन को डिटेल लेवल पे दिखाना है तो आप मोकअप डिजिटलाइजेशन टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईवेक्स पिन है, स्केचअप है, एडोबी एक्सटी भी है और हमारा ल्यूसिड चार्ट है, उसके बाद ब्लास्मिक है, एक्सियोर है, ये सारे हैं। बट अगर ईवेक्स पिन की बात करूँ तो बेटर है और एक्सियोर भी बेटर है और उसके बाद ब्लास्मिक है जो प्योर वायर फ्रेमिंग के लिए यूज किया जाता है मोकअप ऐप के लिए। सॉफ्टवेयर में अगर बताऊँ तो ये सारे आप देख रहे होंगे। ऑनलाइन टूल्स में आप डायरेक्ट जो है फिगमा में, एडोबी एक्सडी में भी और स्केचअप में भी वायर फ्रेमिंग और एलिस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल होता है। वायर फ्रेमिंग का मतलब होता है डायरेक्ट आप ड्रैग ड्रॉप एलिमेंट्स बना होता है उसको ड्रैग ड्रॉप करके शेप और उसके वर्क फ्लो आइडिया को डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम मोकअप फ्लो या मोकअप फ्लो भी कहते हैं। ऐसे ओवरफ्लो एक टूल्स है ऑनलाइन, वो बहुत ही प्रोटोटाइपिंग के लिए बेटर है वायर फ्रेमिंग और इसके लिए, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो ये बेटर है। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि सबसे बेटर टूल वायर फ्रेमिंग टूल के लिए जो है ये है आपका ईवेक्स पिन और उसके बाद ब्लास्मिक है, उसके बाद एक्सियोर है, ल्यूसिड चार्ट है, ये सारे के सारे हैं जो कि मैं इस वीडियो में, मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वायर फ्रेमिंग के टूल्स के बारे में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आप कमेंट करेंगे तो मैं मुझे अगर रिमाइंड होगा तो मैं ये चीज़ इनपुट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक। और वायर फ्रेमिंग प्रोसेस के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, तो वायर फ्रेमिंग के प्रोसेस का मतलब होता है कि पूरे एप्लीकेशन, जो भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, चाहे वेबसाइट हो या मोबाइल, उसके पूरे ईवेक्स जर्नी जो है वायर फ्रेमिंग में कैप्चर होना चाहिए पूरे, उसके बाद ही विजुअल डिजाइन में ये कन्वर्ट होता है। तो टू क्रिएट कम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एप एट इट्स मोस्ट एफिशिएंट, और स्टार्ट ब्लैक एंड वाइट पेपर एंड पेंसिल सबसे बेटर तरीका। मैंने जैसा कि बताया कि वायर फ्रेमिंग प्रोसेस के लिए आप ड्रॉ द एप, हैंडी स्केच होना चाहिए, इवन प्राइमेटिवली थिंक थ्रू द फ्लो और आइडेंटिफाई बोटल नेक्स। तो दोस्तों जब भी आप वायर फ्रेमिंग प्रोसेस करते हैं तो पूरे आइडिया को, पूरे कंसेप्ट को, पूरे रिसर्च को और पूरे इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग कीजिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे टॉप लेवल नेविगेशन सेट करेंगे, कैसे डीप सब लेवल को डिफाइन करेंगे, ये सारे के सारे चीज़ें जितने भी आइडिया हैं ये आप वायर फ्रेमिंग में पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक ईवेक्स डिजाइनर, ईवेक्स रिसर्चर का ये काम होता है कि वायर फ्रेमिंग में हर चीज़ को एक डिटेल आइटम के साथ, डिटेल ऑब्जेक्ट के साथ, डिटेल एलिमेंट्स के साथ वो रिप्रेजेंट करें।
तो ये वायर फ्रेमिंग प्रोसेस से बेनिफिट ये होता है कि आप इजी टू यूज, आसानी से कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अगर अगर आपके स्टेक होल्डर या क्लाइंट का फीडबैक है तो, क्योंकि आपको कलर्स की फॉन्ट पे इस पे ध्यान नहीं देना होता है, बस टेक्चुअल ऐसे ही आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है कि मेन थिंग आपका एप्लीकेशन क्या करने वाला है, ये आपको नेविगेशन के बारे में आपको डिफाइन करना होता है। डिजाइन दैट फर्स्ट फ्लो सेकेंडरी स्टेप, उसके बाद आपको सेकेंडरी स्टेप देखना होता है। और वायर फ्रेमिंग प्रोसेस के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में एक इमेज है, और ये वायर फ्रेमिंग एक स्केची है लेकिन हैंडी स्केचिंग है जो कि बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि मैं बताया कि सबसे बेटर टूल होता है। बिल्ड यूजर सिनारियोज, दोस्तों वायर फ्रेमिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट सिनारियो है बिल्ड यूजर सिनारियो। कैसे हम सिनारियो क्रिएट करें, तो सबसे पहले आपको सोचना है हु आर योर यूजर, आपके यूजर कौन है, वेयर आर दे व्हेन यूजिंग योर ऐप, कौन है और कहाँ पे ये एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, कौन बंदा है, कौन यूजर हैं जो कि आपके एप्लीकेशन को यूज करेंगे, व्हाट आर दे डूइंग वो क्या करेंगे, व्हाट आर दे थिंकिंग वो क्या सोचते हैं यूजर, व्हाट आर देयर प्रेशर्स उनके पास प्रेशर्स क्या हैं, व्हाट आर देयर प्लीजर वो कैसे हैप्पी होंगे, ये सारे चीज़ें ध्यान देना होता है। साउंड इसोटिक में इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर ऐप क्लिक विथ यूजर के माध्यम से होना चाहिए और मैच दैट योर यूजर एक्सपेक्ट टू सी योर एक्सपेक्टेड डिलाइट। और की पॉइंट में कवर करना है कि आप कस्टमर को कैसे हैप्पी रखेंगे, कैसे इजी टू यूज टास्क के माध्यम से एप्लीकेशन के पूरे होल सिनारियो को आप दिखा सकते हैं, ताकि वो कोई भी कस्टमर चाहे वो इलिटरेट बंदा हो या इलिटरेट बंदा हो आसानी से आपके पूरे एप्लीकेशंस को ब्राउज कर सके और जो उसे टास्क करना है वो आसानी से टास्क को कंप्लीट कर सके। ये जो है वायर फ्रेमिंग का मेन बेनिफिट होता है। और इसके बाद वायर फ्रेमिंग प्रोसेस की बात करूँ तो ट्रैक द फ्लो, वायर फ्रेमिंग में पूरे हम फ्लो को भी ट्रैक करते हैं कि कोई भी मान लीजिए कि हमारे एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे करना है तो पेमेंट गेटवे का क्या क्या स्टेप होगा, मान लीजिए कि हम शॉपिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले मल्टीपल आइटम होगा, उसके बाद डिटेल स्क्रीन्स हो गए, उसके बाद ऐड टू कार्ट करेंगे, या कहीं पे भी यूज केसेस तैयार करते हैं तो यूज केसेस पूरे कंप्लीट होना चाहिए कि यूजर का फ्लो स्टेप बाय स्टेप हो, ताकि वो उसे बीच में स्टेप कहीं ब्रेक ना कर जाए। तो ऐसा नहीं कि कोई यूजर कस्टमर है और वो टास्क कंप्लीट करने जा रहा है, दो स्टेप पता चला, बीच में स्टेप पता ही नहीं चल रहा है कि क्या स्टेप करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है बहुत ही वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है यूजर के लिए, तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ट्रैक ईच स्टेप केयरफुली, ईजी एंड लॉजिकल, जो भी हो ईजी टू यूज स्ट्रक्चर होना चाहिए। एनी डिस्ट्रैक्शन, अननेसेसरी ग्राफिक, टू मैनी वर्ड्स, ज़्यादा ग्राफिक्स प्लेस नहीं करना है, अननेसेसरी वर्ड नहीं लिखना है कोई भी डिजाइन में, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करे वही इंपोर्ट आपको डिजाइन में रखना है या आपको वायर फ्रेमिंग में रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा ग्राफिक यूज नहीं करना है। एनी थिंग लेफ्ट आउट फ्रॉम योर यूजर परस्पेक्टिव, सभी चीज़ें यूजर परस्पेक्टिव होना चाहिए। कैन इट बी शॉर्टर, और हर चीज़ शॉर्ट होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वेबसाइट में आप डिटेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक ईच स्टेप, ट्रैक द फ्लो में अगर बात करूँ तो ट्रैक ईच स्टेप इजी एंड लॉजिकल, ऑब्वियस हाई प्रेस फॉर नेविगेशन, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। एनी डिस्ट्रक्शन में अननेसेसरी ग्राफिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। एनी थिंग लेफ्ट आउट फ्रॉम योर यूजर परस्पेक्टिव होना चाहिए। कैन इट बी शॉर्टर, समथिंग टू वर्क अराउंड आर इवन एलिमिनेटेड, जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसी को रखिए, बाकी चीज़ों को आप एलिमिनेट कर दीजिए। एग्जिट पाथ में इफ़ द यूजर गेट्स डीप इन टू योर ऐप, कैन दे गेट बैक आउट यूजली, तो आपको डीप में चीज़ें बताना है, जैसे कि आप व्हाट्सएप अगर यूज करते हैं, व्हाट्सएप को ज़्यादा अगर लेंदी अगर प्रोसेस होता है ईवेक्स का, तो कोई भी आपके प्रोडक्ट को सेकेंड टाइम विजिट नहीं कर सकता है। अगर फेसबुक का ईवेक्स सही नहीं होता, ईवाई सही नहीं होता, या व्हाट्सएप का डिजाइन सही नहीं होता, तो एक बार यूज करने के बाद, जैसे बहुत सारे मैसेंजर एप्लीकेशंस हैं वो नहीं लोग यूज करते हैं, उसी तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी नहीं यूज करते, क्योंकि उन्हें समझ से बाहर हो जाता है। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान देंगे ईवेक्स परस्पेक्टिव, और वायर फ्रेमिंग प्रोसेस में आपको सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये सही है नहीं। टेस्ट इट ऑन समबडीज़,
जब भी वायर फ्रेमिंग बनाएं तो आप किसी से, दूसरे बंदे से आप वेरीफाई कराएं, जो डिजाइनर हैं, जो हाई लेवल के बंदे हैं, कि ये सही है या नहीं है। टेस्ट इट अगेन, बार बार चेक कीजिए कहीं गलत तो नहीं है। व्हेन यू हैव गॉटन एंड क्लोज, यू कैन डू क्रिएटिंग द यूजर एक्सपीरियंस ऑन पेपर आर डिजिटली, यू आर रेडी टू मूव ऑन। अगर कोई भी फीडबैक है तो आप उसको, फीडबैक को इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद उसे नेक्स्ट स्टेप में उसे इम्प्लीमेंट करके बिल्ड करें। तो ये वायर फ्रेमिंग का दोस्तों प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर।